हाय प्रिंस, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का बयान है, बिल्ली रास्ता काटे तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काटे तो अपशगुन होता है, मतलब आगे नहीं जाना चाहिए। और मतलब मैंने तो कभी ऐसा ट्राई ही नहीं किया है कि आगे ना जाओ पीछे ना जाओ, हुआ तो कुछ नहीं है। की हालत देखो, आयतल कुर्सी पढ़ो रे बोले तो नहीं पढ़ते, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, सूरह फातिहा पढ़ के फूक के पियो रे नहीं, गौर करेंगे। करे तो दो दिन करते उसका, अम्मा अब रोजाना पढ़ना, अरे जानते रे भाई छोड़ देते। दुआएं पढ़ो नहीं पढ़ते, मगर देखो ये अकीदा कैसा है, बिल्ली सामने से गई रास्ता बदल ले रहा। अरे नको रे भाई, काम नहीं बनता आज कहते। अबे बेवकूफ, देखो बिल्ली पे अकीदा है, अल्लाह के कलाम पे अकीदा नहीं है। नऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक। एक साहब को देखा मैं ऐसा आते आते चप्पल ऐसा औंधी पड़ी हुई है, उन्होंने आगे आके फिर पलट पे जाके उसको सीधी कर रहे हैं। कहीं को करा लड़ाया होते मौलाना अल्लो गम्मत। कौन लाए ये पुराने बात आए, चप्पल उल्टी रही तो लड़ाया होते। वो कई को रहते हो, बाद में बात करेंगे अपन, पर्सनल मिले तो बोलता हूँ वो सीधी कई को करना, मगर उससे लड़ाई होती, ये सब बेकार बात है, सब बेकार बात है। ये बेकार बातों पे अकीदा है मुसलमान। अच्छा, कई लोगों को देखा मैं, क्या बोल रहा हूँ, अच्छा मैं जाके आता हूँ, क्या मतलब पूछा, जा रहा तू, जा रहा हूँ बोल, जाके आता हूँ, नहीं जा रहा हूँ बोला तो चले जाता का लोगों। इतना डरा हुआ, इतना खौफजदा, इतनी जो है मुसलमान की जो है अंदर खौफ है, अल्लाह पर जाता हूं। अब उन्हें 8 दिन के बाद आने वाला है, अब उन्हें क्या है, सऊदी अरब को जा रहा 2 साल का, अम्मी मैं जाके आता हूं, मतलब आता हूं वही। इतना डरा हुआ है खौफ, गया तो मर जाता हूं। रसूल अल्लाह की बात पे जरा भरोसा तो करो आप बहसियत मुसलमान, फिर उसके बाद उस पर अमल करो, जरा पढ़ के फूको तो सही, फिर उसके बाद पी के देखो तो सही। हम ये करने तैयारी ही नहीं है, इसलिए आज हम परेशान बलाओं में, बीमारियों में, मुसीबतों में घिरे हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हजरात मेरी इन बातों पर अमल करेंगे। बस अब आखिरी बात सुन लो, आप चाहते हैं आपका एक्सीडेंट नहीं होना, आपको शैतान नहीं पकड़ना, जिन्नात आपको असर नहीं करना, रोडों पे पड़े हुए वहां कई काली काली गुड़ी पड़ी हुई, एक जगह में देखो काली गुड़ी, बाजू चले हाँ वो लाके डाल देते लोग, काले गुड़िया उड़िया करके क्या क्या की लीमुआन लीमुआ लगा के लाके चौरस्ते पे डाल देता उन्हें। अब जाते मुझे बारिश ले, अब इन्हें गफलत से चले गया। अब देखो है बात इसकी, मैं उसको खुंदला, मेरे को क्या होता कि खुंदला, क्या होता कि खुंदला, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, पूरे नारेला ऐसा जमा करो चौरस्ते पे, उसके ऊपर कुमकुम लगाओ, वो लगाओ, नाचो उसके ऊपर, आप आपको कुछ भी होने वाला नहीं है। तावीज मैं देता हूँ, एक तावीज पहन के करना, मगर कोई पहले कर देंगे तुम लोग, खुद कुछ हो जाता, फिर मैं दे रहा हूँ तावीज पहनो आप, उसके बाद करो। एक गुड़ी नहीं, 17 गुड़ियों को खुद लो, नाचना गुड़ी के ऊपर, ठन थना थन नाचना आप उसके ऊपर, कुछ भी नहीं होता आपको, बस अमल एक करके करना, तावीज पहन के करना। कौन सी तावीज, आयतल कुर्सी की तावीज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई बंदा एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, और अगर वो 3 मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो उसको मंजिल पे पहुंचने तक अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत फरमाता है। दुनिया के किसी जादू में, दुनिया के किसी मंत्र में, दुनिया के किसी बुरे अमल में ये तासीर खुदा की कसम पैदा नहीं हुई कि आयतल कुर्सी पढ़ने वाले को अपने गंदे अमल से सता सके, अपनी बुराई से सता सके, किसी जादू में इतनी ताकत पैदा नहीं हुई है। सारी गंदी बलाओं के रद के लिए अल्लाह ने आयतल कुर्सी को नाजिल किया। शिफा और रहमत बनाकर नाजिल किया है, शिफा 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 है कुरान, रहमत रहमत है कुरान। अल्लाह कह रहा है, बंदे को यकीन नहीं है,
कोई भी औरता बुढ़ी माँ बोल दी है नकोरे बाबा ऐसा नहीं करना, मर गए चार शुंबे के दिन जियारत आ रही पीर को मरे चार शुंबे बुढ़िया तो नहीं करना। अच्छा बुढ़ियों से ज्यादा ये पट्टे अपने खतरनाक है बहुत। नहीं नहीं नानी माँ बोल दिए बहाना नानी को बना रहा काम अपना कर रहा, नानी माँ बोल दिए चार शुंबे को नहीं करना। मैं पूछा क्या होता चार शुंबे को जियारत करे चार शुंबे को दसवां करे चार शुंबे को चहलुम करे तो क्या होता। चार और जाते कहते मुझ साहब चार शुंबे को करे तो ए लो गम्मत। अबे हौले तू कब तो भी कर जिसको जाना है उन्हें जाता जाता, तू रोके तो रुकता नहीं तू बुलाए तो आता नहीं उन्हें। अखीरा बन गया भाई मुसलमानों का इतने कमजोर इतने लोकल इतने थर्ड क्लास अखीदे के मालिक बन गए मुसलमान। अल्लाह की जात पे भरोसा ही नहीं मुसलमान का। बस अब आखिरी बात सुन लो, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु एक जंगल की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। मौलाए कायनात अलीउल मुर्तजा से किसी सहाबी ने कहा ए अली इस जंगल के बारे में यह बात मशहूर है कि जो इसमें गया वापिस नहीं आया, ये जंगल में मौत मंडलाती है, ये जंगल में खौफ तांते मारता है, ये जंगल के अंदर मौत आड़ी बाड़ी फिरती है, जो गया आज तक वापिस नहीं आया। ये सुनते हुए भी मौला अली जाने लगे उसकी तरफ। पूछा अली जरा एहतियात करो, तो हजरत अली पलट के जवाब देने लगे सुन अगर अली की मौत इस जंगल में लिखी है तो अली को यहां जाने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर अली की हयात लिखी हुई है तो यह जंगल अली को मौत नहीं दे सकता। नारे 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 मौला अली फरमाते हैं ना मौत जंगल दे सकता है ना जिंदगी या दुनिया हयात दे सकती है, मौत का देने वाला भी अल्लाह हयात का देने वाला भी। जरा जोर से बोलिए। इसीलिए मेरे भाइयों अल्लाह का वास्ता मजबूती से चलो यार, नमाज पढ़ो वजू से रहो कुरान की तिलावत करते रहो उठते बैठते चलते फिरते दरूद पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह जिंदगी कामयाब गुजरेगी, हर बला मुसीबत से महफूज रहेंगे, अल्लाह की रिजा नसीब होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह। वाह तो बहुत ही अच्छा बयान था और हमेशा की तरह बहुत फ्रेश महसूस हो रहा है। और मैं कभी बोर हुई होती हूँ मतलब इसीलिए नहीं, सिर्फ हंसने को मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। और मैं भी मतलब मुझे तो सभी मतलब जो हम कहते हैं ना कि पिछले लोगों को नहीं ऐसा नहीं होता है ये आप मतलब अंधश्रद्धा पाल रहे हो, तो वो हमें ही कह देते हैं कि ये आई बड़ी शयानी हमें सिखाएगी तो ऐसा बोलते मतलब है। बोलते हैं कि यार जो पुराना रीति रिवाज हाँ, चल के आ रहा है आपको भी फॉलो करना है, आपको कुछ नहीं पता है और अगर हम पूछेंगे कि क्या होता है अगर हम हाँ, ऐसे होता है ऐसे उन्हें भी नहीं पता था है कि क्या होता है, लेकिन सिर्फ होता है ऐसा पहले का होता है तो होता है। चप्पल का भी मैंने बहुत बार हमने क्योंकि ये आम बात है बहुत लोगों ने भी आज तक नोटिस किया होगा कि चप्पल अगर उल्टी पड़ी हो तो झगड़ा होता है, नहीं होता है झगड़ा बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि सीधी करो उसे ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है। और मतलब दूध भी अगर नीचे चला जाए तो भी एक अंधश्रद्धा को मानते हैं लोग, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बिल्ली रास्ता काटे तो उसे भी एक अंधश्रद्धा के तौर पर लोग। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मैं जाके आता हूँ। हाँ ये भी तो... मतलब मुसलमानों में भी है यही कि अगर मतलब मैं चलती हूँ ऐसा नहीं कि मैं जा रही हूँ मैं आ रही हूँ आती हूँ ऐसा बोलना पड़ता हाँ, है जाने के टाइम भी मैं हाँ, आती हूँ ऐसा। और अगर हम किसी मेहमान के घर गए तो हमारी मराठी भाषा में कहते हैं मैं आता जाते वो बोलते हैं जाते नहीं आती हूँ बोलना तो ऐसा तो जल्दी आओगी नहीं तो वही चली जाओगी तो ऐसा मतलब बहुत ही मतलब मानते हैं और हाँ। मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि ये तो बहुत मानते कि जाने के समय में मैं आता हूँ ऐसा बोलते हैं तो मुझे मतलब ये मुझे बहुत हंसी आ रही है इनका बयान बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। इन्होंने तो मुझे कल कहा नल का पानी टिप टिप कर रहा था हाँ नल का पानी टिप टिप कर रहा था और ये बोलते हैं नल का पानी अच्छा नहीं होता
नहीं, वो ऐसा कंटिन्यूअसली टिप टिप करना अच्छा नहीं है। सेव वाटर में कह रहा था कि पानी बचाओ। नहीं, यही तो किसी ने कहा होगा, इसीलिए इन्होंने ऐसा कहा। बहुत हंसी आई तो इन्होंने। और एक बात इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कही, तो बीच में बेटा उठ गया था। तो एक बात इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट कही कि जो लोग आयतुल कुर्सी कहे मतलब पढ़कर जाते हैं किसी भी काम करने के लिए, तो उनका काम ज़रूर पूरा होता है और उनके साथ फरिश्ते होते हैं, उनके काम पूरा करने में वो हेल्प करते हैं। और अगर कोई 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर जाए तो खुद अल्लाह उनके काम में मदद करते हैं, तो उनके काम को होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपके पास अल्लाह का सपोर्ट है तो आप किसी भी मतलब चीज़ को मतलब उन्होंने एक बात कही फनी सी बीच में कि आप जो मतलब रास्ते पर नारियल पड़े रहते हैं, नींबू मिर्ची पड़े रहते हैं, उसके ऊपर हल्दी कुमकुम रहता है, तो उससे भी मत डरिए, आप उसके ऊपर डायरेक्टली नाचिए। अगर मैं उस कोई तावीज़ देता हूँ मतलब जिस पे आयतुल कुर्सी लिखी हो उसको पहनने के बाद, क्योंकि अल्लाह भी उस अल्लाह की शक्ति है उसमें, और उनकी शक्ति के सामने कोई भी शक्ति आज तक बनी नहीं है, और ये सच बात है। लास्ट में भी वो जंगल का वाक्य बहुत ही अच्छा है कि जो जब तक मेरा मरना तय नहीं है मतलब अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, और जब तक अल्लाह नहीं चाहते मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तो बहुत ही अच्छा बयान था और बहुत ही मज़ा भी आया सुनने को, और बहुत ही मतलब फ्रेश हो गया मूड। तो वीडियो सच में बहुत ही अच्छा था। तो चले अगले वीडियो मिलेंगे।